प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ जैसे दवा देने से रोगी अच्छा होता है वैसे ही कोई आध्यात्मिक दवा दे दीजिए। माँ यह जो संयमित जीवन यापन कर रहे हो, अमृतवाणी भोजन कर रहे हो, यही आध्यात्मिक औषधि है। प्रश्न, माँ हम लोगों को अपना आनंद बांट दीजिए ना, हम तो सुनने नहीं आते देखने आते हैं। माँ हर वक्त भगवान की कृपा बरस रही है, अपना पात्र सीधा रखो पात्र भर जाएगा, पात्र उल्टा रखोगे तो कृपा बह जाएगी। पढ़ना क्या है, ब्रह्म विद्या ही पढ़ना है। प्रश्न, माँ आप सचमुच माँ हैं पर हम बच्चे ठीक नहीं हैं। माँ छोटा बच्चा बेटा पंडित सब उन्हीं के तो बेटे हैं। एक बार तपन ने कहा था, कोई डॉक्टर किसी दवा का आविष्कार करता है तो उसके खाने से सबको लाभ होता है, वैसे ही कोई दवा माँ दे दें जिससे सबका लाभ हो जाए। दवा देने वाले ये महात्मा लोग बैठे हैं, महात्मा माने सब माँ, माँ माने मैं। बेटा तो हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना माने ब्रह्म विद्या की पढ़ाई। प्रश्न, माँ पहले जमाने में लोग बड़ी कठिन तपस्या करते थे लेकिन आजकल बड़ा सरल हो गया है, महात्मा लोग कहते हैं भगवान के स्मरण मात्र से हो जाता है। माँ शरणानंद पिताजी ने सरल रास्ता बता दिया है, महात्माओं के दर्शन और आशीर्वाद से सब सरल हो जाता है। आंख से दर्शन मिलता है पर जब तक अहंकार रूपी बोझ सिर पर रहता है तब तक सिर झुकता नहीं है। कम से कम महात्माओं के चरणों में झुकने का अभ्यास तो पड़ रहा है। प्रश्न, माँ करना कुछ रहा नहीं, केवल अहितु की कृपा चाहिए। माँ ऐसा रहे तो बहुत भाग्यवान है, सच बात है, दर्शन और ग्रहण हो जाए तो अच्छा है। प्रश्न, माँ ग्रहण मुश्किल है दर्शन सहज है? माँ दर्शन माने ग्रहण, देना माने लेना, प्रणाम माने सिर पर अहंकार रूपी बोझ रहता है उसे उतारना, जितना दे दिया उतना ग्रहण हो गया। प्रणाम दो प्रकार का होता है, एक डिब्बी के छेदों से निकले पाउडर की तरह और दूसरा जैसे कलसी उडेल दी, यदि ग्रंथि खुल जाए तो अहंकार गिर जाएगा। अर्पित होना माने अपने को दे देना। प्रश्न, माँ ऐसे प्रणाम की क्या तरकीब है, प्रणाम का तत्व क्या है? माँ कहते हैं दंडवत प्रणाम करो, ऐसा तो होता नहीं कि प्रणाम किया और अपना सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, फिर अपना कुछ रहा ही नहीं। सुना है कि कहीं कहीं जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु उसका सिर पकड़कर उठाते हैं। प्रश्न, माँ क्या वह अपने आप नहीं उठ सकता? माँ उसने तो भार दे दिया, तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में दे दिया, कौन कैसे उठे? इसलिए विधि है कि गुरु उठा देते हैं। यहां तो अपना शरीर दिखाकर मां बोल रही हैं, गुरु शिष्य की कोई बात ही नहीं है। प्रश्न, मां प्रणाम कर लिया और उठ नहीं सकते, यह क्या बात है? मां अगर कहा जाए ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मनुष्य का सिर मूल है तथा शरीर शाखा है, वृक्ष उल्टा है, सिर नीचे और शाखाएं ऊपर, बीज सारे अंग अंग में रह गया, शास्त्रों में क्या लिखा है यह तुम जानो। यह शरीर तो ऊट पटांग बोलता है, मूल में स्थूल ना रहे तो स्थूल में कैसे प्रकाशित होगा? गुरु को प्रणाम करने की विधि है, नमन माने न मन अर्थात मन का न रहना। यदि मन रहित हो जाए अर्थात मन का जो कुछ है वह अर्पित हो जाए तो अपना स्वरूप क्या है वह प्रकाशित हो जाएगा। बंगाली में एक भजन है, एक टी नमस्कार प्रभु एक टी नमस्कार, सच्चा नमस्कार हो जाने पर दूसरा कुछ रहता नहीं।
यदि ऐसा नमस्कार हो तो समाधि अपने आप हो जाए। मानने वाला मन ही जब ना रहा तब फिर उठे कौन। नमस्कार करते करते संयोग अगर रहे तो नमस्कार हो जाता है। किसी किसी को ध्यान करते समय सिर में दर्द होता है, क्यों? मन की ऊर्ध्व और निम्न गति में संघर्ष हो जाता है। यदि पूरा ब्रह्मचर्य हो तो मूल के साथ संयोग हो जाने से मन अपने आप समाहित हो जाता है। अहंकार रहने से संपूर्ण नमस्कार नहीं होता, अहंकार सताता है। जहां नमस्कार करने से दुख द्वंद्व मिट जाता है वहां नमस्कार करो, वहीं बैठना और वहीं सोना। ध्यान जप नमस्कार करते करते अपने आप हो जाते हैं। तुम लोग कहते हो ना पत्थर का विग्रह, धातु का विग्रह, लेकिन पत्थर कहने से शिव नहीं और शिव कहने से पत्थर नहीं। शालिग्राम कहो तो पत्थर नहीं, पत्थर कहो तो शालिग्राम नहीं। भगवान के ही सब नाम हैं, नाम अनाम रूप अरूप सब वही है। शिला किसको कहते हो, हर एक रूप में भगवान ही तो है। भगवत बुद्धि से शिला में भगवान दिखते हैं। पूजा विग्रह में ठाकुर में तद्बुद्धि होनी चाहिए। नमस्कार करते वक्त ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमारा ठाकुर ही विश्व का ठाकुर है और विश्व के सब ठाकुरों में हमारे ठाकुर ही हैं। जैसे कि हमारे गुरु जगत गुरु हैं और जगत के गुरु हमारे गुरु हैं। विग्रह में तदात्मक भाव होना चाहिए। दुनिया का सुख दुख रहने वाला नहीं है। नमस्कार करो। नमस्कार करके जो नहीं उठने की बात है वह भी तो एक अवस्था है, इससे आगे उठने न उठने का प्रश्न ही नहीं रहता। नमस्कार करते समय पहले सोचो जैसे साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। पहले उनका दर्शन करो, फिर भगवान को लक्ष्य करके नमस्कार करते समय भगवान के चरण कमलों से सिर तक दृष्टि ले जाओ। कोई कोई चरण से सिर तक दृष्टि ले जाते समय श्वास अंदर खींचते हैं तथा फिर सिर से चरण तक दृष्टि लाते समय श्वास बाहर निकालते हुए प्रणाम करते हैं। उस समय ऐसा ख्याल करो कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है। तुम लोग कहते हो ना हाथ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जगत की दृष्टि से भी तुम जिनको गुरु या भगवान मानते हो उनके अंग अंग में वह शक्ति विद्यमान है। उनके स्पर्श मात्र से वह शक्ति तुम्हारे भीतर आ सकती है। चरण दर्शन करते समय श्वास के साथ पूरा दर्शन कर लिया, फिर भावना करो कि उनकी शक्ति अपने अंदर आ रही है। सिर से चरण तक धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अर्पित हो जाओ। ऐसे दर्शन से पवित्र होकर तुम्हारा चरणों में पड़ने का अधिकार हुआ। दंडवत बन जाओ। तुम जो कहो जो करो वही है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।